सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। और अभी जस्ट मैंने कुछ सुबह सुबह का शो देखा था और आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसी लगी। और कोई भी प्रेशर नहीं है मुझमें, किसी से मैंने पैसा नहीं कहा है, कोई किसी का मेरा कोई एजेंडा नहीं है फिल्म को लेके। जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था, जो मुझे फिल्म को देख के लगा, जो अच्छा लगा, जो बुरा लगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहली पॉजिटिव चीज़ मुझे फिल्म की लगी, टेक्निकली फिल्म बहुत स्ट्रांग है। और बहुत कम होता है कि कोई भी मासी फिल्म इतनी टेक्निकली स्ट्रांग हो, स्पेशली इस फिल्म का जो कोरियोग्राफी है, एक्शन सीन्स इसके जिस तरह से कोरियोग्राफ किए गए हैं, जिस तरह से उसको दिखाया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है, वो बहुत रेयर होता है किसी मासी फिल्म में इतना अच्छा हो। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। और ट्रेलर में जब हम देख रहे थे फिल्म, यार थोड़ा VFX मुझे थोड़े से 19-20 लग रहे थे, बट स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे जब आप देखेंगे तो भाई लार्जर देन लाइफ लगेगी ये फिल्म। और बहुत ही टेक्निकली ये फिल्म स्ट्रांग है, जो आपको देख के लगेगा जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले है। कहानी के बारे में बताऊंगा आगे, नेगेटिव में क्या लगा मुझे, तो उसके लिए मैं आगे बात करूंगा। दूसरी चीज़, इसकी सपोर्टिंग कास्ट, सभी लड़कियों की परफॉर्मेंस और सभी जो सपोर्टिंग कास्ट में जो एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इस फिल्म में बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लड़कियों का, और जो उनकी सब प्लॉट हैं, जो उनकी कहानी है, मेन स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक इमोशनल टच भी देती है। विजय सेतुपति, नो डाउट यार, उनका स्क्रीन टाइम, उनका जो सीन है SRK के साथ, भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अलग सा टेक होता है। वो विलन जब बनते हैं ना, एक टिपिकल विलन नहीं होते हैं, उनका एक स्टाइल है, उनका एक ना अपनी खुद की पर्सनालिटी वो लेके आते हैं। अगर कोई मेरे इतने बड़े एम्पायर को हाथ लगाएगा तो बहुत ही मज़ा आता है देखते हुए। जो उनके फैंस हैं, बहुत डिलाइट होगा, बहुत मज़ा आएगा उनको देखते हुए आपको। डेफिनेटली बहुत ही जस्टिस दिया है डायरेक्टर ने उनके साथ। तीसरी चीज़, सोशल इशू जो उठाया इस फिल्म ने। SRK को यार कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है, कि वो सोशली बात करें। वो डेफिनेटली यार रियल लाइफ में कोई भी सोशल इशू हमारे इंडिया में हुआ, इतना कुछ हुआ, उन्होंने कुछ खास कोई भी बयान नहीं दिया और नहीं देता कोई भी, यार कोई भी हर्ष कोई बचता है। बट उन्होंने, मैं इस चीज़ के लिए उनकी रिस्पेक्ट देना चाहूँगा, इस फिल्म के ही थ्रू कहने की कोशिश करी। अगर आप इतने इंटेलिजेंट होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 मिनट का उनका, 2-3 मिनट का एक मोनोलॉग है और आपको देखना ज़रूर, वो चीज़ समझ में आती है तो आपको लगेगी कि यार मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने फिल्म के थ्रू जो जनता के, एक आम जनता को कहना चाहते हैं वो समझाने की कोशिश करी है, बड़े ही एंटरटेनिंग वे में। इतना पैसा लगा के एक फिल्म बनाई उन्होंने एंटरटेनिंग, और उसमें ये मैसेज डाला। वो ऐसे भी बोल सकते थे, बट ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता है। फोर्थ SRK की वजह से जो वो पावर लेके आते हैं, जो वो चीज़ें लेके आते हैं, जो रिसोर्सेज लगते हैं फिल्म में, और जब वो दिखते हैं ऑडियंस को तो पता चलता है गाइस कि ये SRK की वजह से ही है। और अगर उनकी प्रेजेंस नहीं होता, उनका करिश्मा नहीं होता, उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं होती, तो ये फिल्म बहुत ही फ्लैट, बहुत ही नॉर्मल फिल्म होती। तो हैट्स ऑफ टू SRK। ये 4 पॉजिटिव पॉइंट थे इस फिल्म के, जो इस फिल्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। यार नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं, पता नहीं मेरा सर क्यों घूम रहा है। कहानी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फिल्म में, और कहानी इसकी टिपिकल, मुझे ऐसा लगा साउथ और नॉर्थ का एक ब्लेंड किया है, बट मुझे साउथ के टाइप की फिल्म ज़्यादा लगी है, साउथ की कहानी लगी इसकी। और सोशल इशू के, जिस बारे में बात कर रहा था, सोशल इशू उठाती है फिल्म, किसानों की हत्या के बारे में बात करती है, हॉस्पिटल में जो सर्विसेज नहीं दी जाती है, जो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है उसके बारे में फिल्म में बात करती है। और बट कहानी यार मुझे ना इतनी इंटरेस्टिंग, इतना कुछ इसमें लगा नहीं। जब टीज़र आया था इस फिल्म का, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है, ये क्या कर रहा है SRK, बट ऐसा कुछ यार मुझे लगा नहीं। कहानी बहुत ही फ्लैट थी, और ऑलरेडी ऐसी कहानी आपने देख रखी है। अगर आपने मनी हाइस्ट देखा है, और आपने गब्बर फिल्म देखी है, और वेंसडे देखी है, कैसे एक आम आदमी खड़ा हो जाता है, एक अनार्की क्रिएट कर देता है और सिस्टम के अगेंस्ट चला जाता है, ये कहानी आपने देखी हुई है, तो वैसी ये कहानी है। कुछ लोग ऑफेंड कर सकती हैं, कुछ रिव्यूअर को ऑफेंड करेगी डेफिनेटली, और क्या पता कहे कि हमारी संस्कृति खतरे में डाल सकती है फिल्म, आई डोंट नो। दूसरी चीज़, इस फिल्म का लेंथ, बहुत लंबी फिल्म है, 2 घंटा, कितना, 2 hours 49 minutes की फिल्म है। ये फिल्म थोड़ी सी काट सकते थे, इसमें जो गाने डाले गए हैं, सीन्स डाले गए हैं, उसको थोड़ा सा और कम करके अगर रखते, थोड़ी और कॉम्पैक्ट रखते तो अच्छी लगती फिल्म। तीसरी चीज़ यार, गाने नहीं थे फिल्म में। जिंदा बंदा को छोड़ दूँ, ठीक ठाक गाना था, SRK की फिल्म है और इसमें गाने ना हो। इतने टाइम से हम उनके इतने बेहतरीन गाने सुनते आ रहे हैं, यार अजीब लगता है कि यार बॉलीवुड फिल्म में ना गाने नहीं आते हैं, बहुत ही एवरेज सॉन्ग्स थे जो फिल्म को ना मतलब उठाते नहीं है, मज़ा नहीं आया मुझे गाने सुनते हुए। SRK का इस 30 साल से ज़्यादा काम
हो गए हैं करते करते, एंड आज भी एंटरटेन करने की वो हमें कोशिश कर रहे हैं। छोटा था तब से मैं उनकी फिल्म देखते आ रहा हूँ, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है और अभी तक वो फिल्में लेके आ रहे हैं, एंड हैट्स ऑफ, मतलब एंटरटेन करने का उनका एक जो पैशन है फिल्मों के लगे काबिले तारीफ है। और कमियाँ होती हैं फिल्मों में, चलता रहता है यार, बट फिल्म आपको बहुत एंटरटेन करेगी, मज़ा आएगा फिल्म देखते हुए, डेफिनेटली आपको देखने जानी चाहिए फिल्म। इस फिल्म को मैं मार्क्स दूंगा यार 10 में से 6.8, डेफिनेटली जाके आप चेकआउट करें, देख के आइए फिल्म, मज़ा आएगा फिल्म को देखते हुए, डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आता है, रिव्यू को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।